ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं।
अरे माला, तू यहाँ कहाँ भटक रही है? भटक नहीं रही हूँ मौसी, शहर से दूर इन वादियों की खामोशी से अपने दिल की बात कह रही हूँ। जो पूछती हूँ उसका जवाब मिल जाता है। तू पागल हो गई है, पत्थर कभी बोलते हैं? लो खुद ही देख लो। मेरा राजा आएगा, मेरा राजा आएगा। ये कौन सा राजा है जिसके सपने तू देख रही है? पता नहीं मौसी, पर दिल कहता है कि एक दिन मेरा राजा घोड़े पे सवार होकर जरूर आएगा और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। अच्छा मौसी, तुम कहाँ जा रही हो? मालिक की बेटी के घर, उसे खीर बहुत पसंद है ना, इसलिए लेकर जा रही हूँ। राय बहादुर की इतनी बड़ी हवेली और उनकी बेटी शहर से इतनी दूर? बेचारी ने शादी एक गरीब वकील से कर ली, ये उसी की सजा है। अच्छा मौसी, ये ऊपर वाला जब आदमी को अमीर बनाता है तो उसके जमीर को क्यों मार देता है? अमीर तो तेरे दारजी भी है, लेकिन उनका जमीर तो नहीं मरा। अरे मेरे दारजी की बात ही कुछ और है, वो तो लाखों में एक है। खबरदार है, जो किसी ने लड़के को हाथ लगा पीछे हट। ये तो चोर है साला, ये मेहनत मजदूरी नहीं करता है, चोरी करता है, चोरी मार देगा। चुप बॉय, हट। दम में अंदर तो हाथ लगा के दिखाओ लड़के को, तेरी चोरी कीती है। और तेरी चोरी कीती है इसने? चोरी तो चोरी है, चाहे मेरी करे या किसी और की। और तेरा मतलब है बीवी तो बीवी है, चाहे इसकी हो चाहे तेरी हो। ए सरदार जी, जबान संभाल कर बात कर, मेरी बीवी इसकी कैसे हो सकती है? अच्छा खोती दिया पुत्रा, जब तेरी बीवी इसकी बीवी नहीं हो सकती तो किसी और का बटवा तेरा कैसे हो सकता है? ये बटवा किसका है और ये बटवा किसका है? सरदार जी, ये मेरा बटवा है। बीबी, ये मुंडा तेरा गुनेगार है, बोल इसको क्या सजा दी जाए? इसे पुलिस में दे दीजिए। चल फिर पुलिस थाने, इसे पुलिस में दे। मैं क्यों जाऊं पुलिस थाने? ओ बीबी, पहले रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, फिर मुकदमा चलता है, फिर गवाही के लिए जाना पड़ता है, उसके बाद तारीख पड़ती है, फिर दूसरी तारीख पड़ती है, इतनी तारीख पड़ती है कि बंदा खुद तारीख हो जाता है, लेकिन मुकदमे का फैसला नहीं होता। जब तक मुकदमे का फैसला होगा, ये मुंडा 10-15 मुंडों का बाप बन चुका होगा और तो कुछ 10-15 पोते पोतियों की दादी। चल थाने रिपोर्ट लिखाते हैं। बाबा, मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना, मेरा बटवा मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ओ तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, कोई लड्डू बटने वाले? चलो मां आइए, चलो दौड़ जाओ। ओए तू कहाँ जा रहा है? अपना काम करने। ओए कौन सा काम करने जा रहा है? वही काम जो अभी किया था लेकिन पकड़ा गया। उल्लू के पट्टे, उल्लू दे पट्टे, शर्म नहीं आती तेरे को है? कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, मेहनत का काम। देख सरदार, तूने अपन को पब्लिक के सामने बचाया, इसके वास्ते अपन चुप है क्या? लेकिन अपन को उल्लू उल्लू नहीं बोलेगा क्या? अपनी भी कुछ मार्केट में इज्जत है। और तेरी इज्जत दी तुम है? अब भी उतारता हूँ तेरी इज्जत। कहाँ लेके जा रहे लाए? पुलिस स्टेशन। अरे सरदार, काय को अपने धंधे की माँ किया कर रहा है, तू अपना काम कर और मुझे अपना काम करने देना। मत बोल, तू नहीं सुधरेगा। अपन के माँ बाप ने जब अपन को नहीं सुधारा तो तू दूसरे के फटेले में क्यों टांग डालता है? मत बोल, तेरे माँ बाप नहीं है क्या? एड़े जैसी बात करता है, माँ बाप के बिगड़ कभी बच्चा पैदा होता है क्या? और मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा करके गटर में फेंक दिया था। वाहेगुरु, अगर मैं तुझे अपना बेटा बना लूं तो? सरदार, तू बहुत ही कच्चे दिल का आदमी है, 2 मिनट में छोकरी तरह रोने लगा। अरे अपन के साथ जीना चाहिए बिंदास, जहाँ सो गया वही सवेरा हो गया। बैठ जा बेटा। वाहेगुरु,
नमस्कार। ये राजू है, आज से ये हम लोगों के साथ में ही रहेगा। इंस्पेक्टर साहब जी, इस मासूम का कोई कसूर नहीं है। ये तो वो बालू दादा के डर से जेबें काटता था। इसने मुझसे वादा किया है कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करेगा। इंस्पेक्टर नहीं बाबा, फिरोज। हाँ, कई साल पहले एक औरत का मंगलसूत्र चुरा कर जो भाग रहा था, जिसे अगर आपने बचाया नहीं होता तो शायद एक मुजरिम के रूप में वो खड़ा होता। फिरोज, ओए, साहब, अंधा है क्या? नहीं बाबू, भूखा हूं, इसलिए लड़खड़ा कर गिर गया। देख, तेरे गिरने से क्या हो गया? मामूली सा दाग लग गया है, मैं अभी इसे साफ किए देता हूँ। तेरी नजर में ये मामूली सा दाग होगा, मगर हमारी नजर में ये कार बिल्कुल बेकार हो गई है। और राय बहादुर उस चीज को कभी इस्तेमाल नहीं करता जिस पर एक भी दाग लग गया हो। सिक्योरिटी, इस गंदगी को बाहर फेंक दो और फिर दोबारा ये इस ऑफिस की इर्द गिर्द भी दिखाई ना दे। चले बुड्ढे, बाहर निकाल, चल। जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। राय बहादुर दीवान चंद को हारना पसंद नहीं। 60 साल की जिंदगी में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे नाक के नीचे से कोई निकाल कर ले गया हो। डैडी, अगर मैं टेंडर की कोटेशन की प्राइस में कुछ कमी कर देता तो हमें लाखों का नुकसान हो जाता। अब क्या फायदा हुआ? लोगों के सामने हमारी गर्दन झुक गई ना। जो प्रोजेक्ट बरसों से हमारे पास था, एक नई कंपनी के पास चला गया। राय बहादुर पैसे गंवा सकता है, अपनी इज्जत नहीं। लेकिन डैडी, ये तो झूठी इज्जत है। बिजनेस में तो ये सब होता रहता है। बिजनेस तुम सिखाओगे मुझे? ये सब मैंने बनाया है। घर, ऑफिस, गाड़ियां, नौकर चाकर, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, समझे? और तुम्हें दो वक्त की रोटी जो नसीब होती है, वो भी मेरी मेहरबानी से। डैडी, आज जिंदगी में पहली बार पता चला कि एक बाप अपने बेटे को पालकर उसका फर्ज नहीं निभाता, बल्कि मेहरबानियों का कर्ज चढ़ाता जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सूद समेत वापस ले सके। ये शान और शौकत, ये ऐशो आराम आप ही को मुबारक हो डैडी। जीने के लिए सिर्फ दो रोटी की जरूरत होती है, और वो मैं कोई भी काम करके कमा लूंगा। गुड बाय मिस्टर राय बहादुर। जाने की धमकी देता है? कहां जाएगा तू? तेरे चेहरे पे ये रौनक जो है ना, ये सिर्फ इस राय बहादुर के चिराग से है। इस चिराग से दूर गया तो अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। जीने के लिए सिर्फ रोशनी की ही जरूरत नहीं होती, अंधेरा भी चाहिए। मैं अंधेरे के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। रमेश जीजा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आप भी बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो जाते हैं। रमेश बेटे, बेटे तुम अपने कैबिन में जाओ, हम अभी आते हैं। साले साहब, आपको नहीं मालूम कि इस बेवकूफ की वजह से। जीजा जी, रमेश मां की गोद में पलकर बड़ा हुआ है और आज बाप के कांधों पर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो काम रमेश नहीं कर सका वो राज करेगा। राज? साले साहब, लगता है लंदन में रहते रहते आप सठिया गए। जिस लड़के के हाथ हमेशा हसीनों की जुल्फों में उलझे हो, उसके हाथ में कारोबार की बागडोर नहीं दी जाती। Thank you.
lovely. Beautiful or crazy, crazy. Hey, har ek ladki lovely, lovely. Beautiful or crazy, crazy. Mujhse bole, touch me, touch me, touch me, touch me. Love bird kehte hai mujhko. Arey love bird kehte hai mujhko. इस घर को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ एक ऐसी जगह जा रहा हूं जहां लोग मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे अपने नाम से जाने। वेरी गुड। आपने खत क्यों फाड़ दिया? मैंने फैसला कर लिया है। तो तुमने जाने का फैसला कर लिया है? वेरी गुड, वेरी गुड। इसके बारे में अपनी बीवी और बच्चे से पूछा? बीवी बच्चों से क्या पूछना, पत्नी का घर वही होगा जहां पति रहेगा। हरगिज नहीं। तुम क्या समझते हो, इस बेवकूफी के रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? अपने बच्चे के सर से हवेली हटाकर उसे गंदी झोपड़ी में डाल दूंगी? आज मैं समझा, तुम्हें पति नहीं, पति की दौलत चाहिए। जिनके पास दौलत नहीं होती वो पति भी नहीं रहते। क्योंकि औरत किसी दौलत वाले के साथ चली जाती है। औरत नहीं, अकलमंद इंसान। राज को देखो, वो पिताजी को कभी जवाब नहीं देता, पिताजी उससे खुश रहते हैं, और तुम हमेशा अपने उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़े रहते हो।
मैं अपनी औलाद को सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। उसके मुकद्दर में अगर हवेली का सुख है तो तुम्हें उसे छीनने का कोई हक नहीं। पत्नी और संतान के लिए इंसान ने क्या क्या कुर्बान नहीं किया। बच्चे की आड़ लेकर तुमने अपनी कहानी अच्छी तरह से बयान कर दी, समझ गया मैं। अग्नि के सामने ली गई सारी कसमें सब झूठी थी। शारदा, मेरे मकसद में तुम मेरी मदद करो या ना करो, तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, ताकि सब कुछ पाने के बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं है, तब तुम्हें एक पति की जरूरत होगी, और उस वक्त शारदा मैं नहीं रहूंगा। बेटी, मामा प्यारे का यह कहना है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और अगर कभी ऐसा हुआ तो अपने पति को मेरे पास लंदन भेज देना, मैं जीजा जी के कारोबार के साथ साथ इसकी भी देखभाल कर लिया करूंगा। वेरी गुड। रोक दे भाई, रोक दे, घर आ गया। उतरो सिस्टर डार्लिंग। हाँ सिस्टर, तुमने पुकारा हम चले आए, छोटी सिस्टर को भी साथ लाए रे। अरे वाह सिस्टर, मैं तो समझा था तुम हाई फीवर में पड़ी कर रही होगी, लेकिन तुम तो यहाँ अच्छी खासी बिंदु बनी बैठी हो। हाँ दीदी, तुमने बीमारी का झूठा तार क्यों भेजा? अरे गधो, ये तार वार की बात किसी से कहना नहीं। बट वाई नॉट सिस्टर, इसमें राज क्या है? बात दरअसल ये है कि तुम्हारे जीजा जी उसूल और आदर्शों के चक्कर में पड़ गए हैं, पिताजी उनसे ना खुश हैं, वो सारा कारोबार राज के हाथों में सौंपना चाहते हैं। राज ने अगर कारोबार संभाल लिया तो पिताजी फौरन उसका घर बसाना चाहेंगे। कहीं कोई बड़े बाप की बेटी आ गई तो जो पिछले 10 साल से मैं राज कर रही हूं वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले कि राज की जिंदगी में कोई और लड़की आए, तुम उसे शीशे में उतार लो। चलो मौसी, पैदल चलते हैं, दादी परेशान हो रहे होंगे। 2 मिनट रुक जा, बस आती होगी। अरे छोटे मलिक, आप? अरे मौसी आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। हाँ मौसी बैठ जाओ, बैठ जाओ ना मौसी। चल बेटी आ जा जल्दी। अरे आओ ना मौसी। क्या हुआ? तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठूंगी। छिछड़ों पर ही क्यों होती है? क्योंकि वो कुत्ता है। अगर आदमी की नजर छिछड़े पर हो तो? वो तो कुत्ते से भी बदतर है। अरे उसे बचा! कहाँ खो गया था तू? कहीं नहीं। अगर आप सामने देखकर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ताती वाओ न लगी पारब्रह्म शरणाई। अरे कुशल्या बहन, तुम्हारी तो बड़ी तरक्की हो गई है, गाड़ी छोड़ने आई है। गाड़ी नहीं, कुछ छोटे मालिक छोड़ने आए हैं। छोटे मालिक लोफर। <स्थाथ
गल अब समझ में आई, कसाई के दिल में रैम क्यों आया। कुशल्या बहन, 40 साल से इन रईस जादों के साथ रहने के बावजूद भी तुम इनको नहीं पछाने, पर मैं जानता हूं इन्हें। रास्ते में कोई गरीब पड़ा हो ना तो उसकी मदद करने के लिए ये अपनी गड्डी नहीं रोकेंगे, लेकिन जैसे ही कोई लड़की अपनी जवानी का बोझ अपने कंधे पे उठाए चली जा रही हो, उसे देखते ही इनके कदम दया धर्म की ब्रेक पे फौरन चले जाते हैं। क्यों राज साहब, ठीक कहा ना मैंने? ये करतार सिंह तुम्हारे जैसों की नस्ल से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। और सुनो, दोबारा गलती से भी मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश ना करना। जाओ जाओ। कुशल्या बहन, रब ना करे अगर मेरी बेटी कहीं बीच रास्ते में मर जाए, तुम भले ही उसकी लाश को कसीट के कार ले आना, पर इस रही जादे की गड्डी में डाल के मत ले आना। भाई साहब, गलती हो गई। चल पुत्र, चल। ये कौन है? ए शानी, जरा अपनी जुबान को ब्रेक लगा। फिर उठा ले किसी को। मैं खुद नहीं आया था, वो तो सरदारी को चांस दे रहा था कि मुझे सुधार के थोड़ा पुण्य कमा ले। बेटी, ये राजू है, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बेचारे के माँ बाप नहीं है। इसका मतलब ये भी मेरी तरह लावारिस है। ए, क्या तू भी बिगड़ेली थी मेरी तरह? नहीं, मैं सुधरेली थी। तो फिर इधर सरदार जी की स्कूल में क्या करी है? तुम जैसों को सुधारने का इंतजाम करती हूँ। चल पहले हाथ मुंह धो। काई को जाता है कि एक फटके में सारा बोल बचन दूर कर दूं। सदा जी, ये फूलन देवी है क्या? ना, झांसी की रानी। दार जी, पापा को दो प्यार जी। ये तो इमोशनल फैमिली लगती है। माला, आती हो रही माँ? अरे बाबा, देर हो रही है, जल्दी चलो। दार जी, मैं स्कूल जा रही हूँ, शाम को मिलूंगी, नाश्ता कर लेना। ठीक है पुत्र, अपना ख्याल रखी। रीमा, क्या हुआ? रिक्शा वाले, रिक्शा रोको। तू ठीक तो है रीमा? क्या हुआ तुझे? हुआ नहीं, होने वाला है। बारात आने से पहले बच्चा आ गया। तुझे ये कैसे मालूम कि ये शादी से पहले माँ बन गई? अगर शादी हुई होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं होता। तेरी शादी हुई है? हाँ। क्या सबूत है? माए बोलता है ना। तू क्या राजा हरिश्चंद्र है? तो जाके मेरी बीवी से पूछ ले। तेरी बीवी से पूछने से सिर्फ ये पता चलेगा कि वो शादीशुदा है, तू नहीं। तो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगा के घूमो। हाँ, तुम लोग भी औरत की तरह माथे पे ठप्पा लगा कर घूमो कि हम भी शादीशुदा हैं। तू पागल हो गई है क्या? पागल मैं नहीं, तुम मर्द लोग हो जाओगे जब औरत के बजाय मर्द के पेट से बच्चा पैदा होगा। उल्टी औरतों को नहीं, तुम लोगों को आएगी। औरत तुम लोगों की तरह कमजोर नहीं, वो तो छाती ठोक कर कहती है, ये देखो मेरा सिंदूर, मैं सिर्फ एक ही आदमी के लिए बनी हूँ। और तुम लोग, तुम तो साले बुजदिल, ये कहने से भी डरते हो कि एक औरत को अपने घर में बैठा कर आए हो। है हिम्मत तो कल से तुम सब भी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर घर से निकलना, तब मैं वाकई तुम्हें मर्द समझूंगी। अरे मैं कहां फंसा? भाई साहब, उठो खाली। अबे भागता किधर है बुजदिल? ये ले चूड़ियां पहनता जा। मेरी बात का यकीन कर माला, प्रकाश एक अच्छा लड़का है। अच्छा होता तो शादी से पहले तेरे साथ वो न करता जो उसे नहीं करना चाहिए था। ओफो, तू तो हर आदमी को गलत समझती है। मैंने कहा ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है, और शादी भी करेगा तो सिर्फ मुझसे, किसी और से नहीं। अगर कुछ हो गया ना तो मेरे पास मत आना, मरना उसी प्रकाश के पास। अरे सुन तो। थैंक यू मिसेस मुखर्जी।
नमस्ते। चलो अपने अपने किताबें निकालो। बच्चों ये क्या है? चपल। इससे क्या किया जाता है? पहना जाता है। और इससे पिटाई की जाती है। क्यों बरखुरदार, जमाना आगे जा रहा है और तुम पीछे जा रहे हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, जाना तो मैं भी आगे चाह रहा हूँ, लेकिन शायद गियर गलत लग गया। तो अपना गियर सही करवा लो बरखुरदार। जिस तरह से कॉलेज जाने की उम्र में तुम के जिस स्कूल के चक्कर लगा रहे हो। व्हाट डू यू मीन इंस्पेक्टर? ये मेरा इलाका है, गाड़ी आगे बढ़ाओ, कान कहीं और लगाओ। एंड नाउ गेट गोइंग। तू मेरा महबूब सनम, तुझको तो पाने की खातिर
मौसी आ गई तुम? चाय बाद में, पहले जरा सर दबा दो। लेकिन भाषण मत देना कि राज बेटा इतनी शराब तुम्हारे सेहत के लिए बुरी है। वाह मौसी, आज तुम्हारा हाथ लगते ही सरदर्द एकदम दूर हो गया। जी तो चाहता है कि बस तुम्हारी गोद में यूं ही सोता रहूं। ए, तुम मौसी कहां गई? ये क्यों खिलखिला रही है? जब से आई है तुम्हारे कमरे का ज्यादा ही चक्कर लगा रही है। क्या रक्षाबंधन के लिए आई है? चाय बना दूं या पहले सिर दबा दूं? नहीं नहीं नहीं, आज मेरे सर में बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा हुआ तूने वो मुई शराब छोड़ दी। हाँ वो शराब छोड़ दी, क्योंकि कल रात एक नई शराब मेरे होठों से लग गई। ले चाय पी दे। हेलो। हाँ राज, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हाँ बोल, क्या बात है? यार एक मुसीबत आ गई है। डॉक्टर गंडोत्रा से बात करूँ? यही ना। यार तुझे कैसे मालूम कि? अगर मुर्गी खाने का शौक है तो खाओ, मगर हड्डी को गले में बांध के मत फिरो, समझ गए? हजार बार समझाया रीमा, धीरे चलो धीरे, लेकिन नहीं, तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था, इश्क का जुनून सर पर डांस कर रहा था। अब क्या करोगी? बुलाओ अपने आशिक को और पूछो उससे कहां गई वो कसमें, वो वादे, वो प्यार की मीठी मीठी बातें। जब जमाना पूछेगा कि किसके पाप की निशानी है तो क्या कहोगी तुम? नाम ले सकोगी उसका? और अगर तुमने नाम ले भी लिया तो क्या मान लेगा वो? वो आज किसी और से शादी कर रहा है। तो जाकर उसकी बारात में नाचो और जोर से रो, ताकि तुम्हारा बूढ़ा बाप भी यहाँ आ जाए और देख ले कि जीते जी अपनी ही अर्थी अपने कंधे पे उठाए हुए इंसान कैसा लगता है। ऐसा मत बोल माला, ऐसा मत बोल, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अगर बाबा को कुछ हो गया तो क्या कर लेगी? मैं प्रकाश को जान से मार डालूंगी। तो चल मेरे साथ। कहा? तू चल तो। हरि ओम गणानन्त्वा गणपति गुंग वामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंग वामहे, निधिनान्त्वा निधिपति गुंग। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्या को बुलाइए। अरे मेरी भाभी को जल्दी बुलाइए, मेरा भाई सूखा जा रहा है। रीमा जाके दुल्हन की जगह बैठ जा। ये क्या मजाक है? कौन है ये लड़की? प्रकाश जी अपने दोस्त को बताइए कौन है रीमा। मैं इसको नहीं जानता, मैं तो पहली बार इसको देख रहा हूँ। तो क्या ये तस्वीरें अपने आप खींच गई?
आप चाहती क्या है मिस? जब मैं आपसे बात करूंगी तब आप अपनी नाक बीच में घुसेड़ेगा। हाँ तो प्रकाश जी, अगर इन तस्वीरों को ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं तो इन प्रेम पत्रों को देख लीजिए, शायद सब कुछ याद आ जाए। ये क्या बेहूदगी है, शादी के मौके पर कोई ऐसा मजाक करता है? मजाक हम नहीं कर रहे हैं, मजाक कर रहा है आपका बेटा, वो भी एक नहीं दो दो जिंदगियों के साथ। दो दो जिंदगी? जी हाँ, दो जिंदगी से, एक रीमा की जिंदगी से, दूसरे रीमा के कोख में पल रहे बच्चे की जिंदगी से, जिसका बाप प्रकाश है। ये झूठ है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। तुम जाती हो यहाँ से या तुम दोनों को उठाकर फेंक दूं बाहर। खबरदार प्रकाश, जो एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो। जिस लड़की से तुमने प्यार किया, जिसने अपने जिस्म के साथ साथ तुम्हें अपनी आत्मा तक को समर्पित कर दिया, तुम उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहे हो, उसे हरामजादी कह रहे हो। अरे हरामजादे तो तुम खुद हो, जो एक जिंदगी तबाह करने के बाद अब मेरी जिंदगी तबाह करना चाहते हो। ले जाओ ये सब कुछ, झूठ और मक्कारी की फैक्ट्री में बने हुए ये जेवर, इनमें से तुम्हारे हवस की बू आ रही है, ले जाओ ये सब कुछ। सोच लो सुनीता, अगर बारात वापस चली गई तो तुम जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। हम जैसी औरतों को अगर दुनिया ने गंदी भी कहा तो हम उफ नहीं करेंगे, लेकिन तुम जैसे नामर्द को तो अपना दलाल भी नहीं रखेंगे। चलो रीमा। Thank you.
सी जान को इतनी शिकायत, ये तो बहुत ही बुरा है। बिन पढ़े भी दुनिया में लेकिन बड़ा न कोई हुआ है। क्या बात कही, कैसी रही? अरे आपने जो भी कहा हमने ना कुछ भी सुना है। चंदा की चोरी करके चकोरी अपने घर ले आई, चंदा की चोरी करके चकोरी अपने घर ले आई। सारे गगन में झिगी झिगी रख झिग अल्लाह हुआ है, झिगी झिगी रख झिग सारे गगन में अल्लाह हुआ है। कैसी मुसीबत आई, राज आ गया। राज, आज बहुत देर कर दी, कहाँ रह गया था? हिसाब बराबर करने में जरा वक्त लग गया। हिसाब? कैसा हिसाब? तुम शायद भूल गए, प्रकाश की शादी में एक लड़की ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा था। हाँ तो आज मैंने उसके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि अब वो जिंदगी भर सर उठाकर जी नहीं सकेगी। मेरी बेटी तो सर उठा के नहीं जी सकेगी, लेकिन मैं तो तेरे सर को ही नहीं रहने दूंगा। बाबा 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 ठीक तो है ना बाबा? अरेस्ट हिम, विराट छोड़ दे मुझे, मैं इस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने हमारी माला की, इसको इसके किए की सजा मिलेगी बाबा, इसको इसके किए की सजा मिलेगी। मैं हूं एडवोकेट वाघमारे और आप हैं राय बहादुर दीवानचंद, बैठिए। और ये है इनके बेटे राज का बेल ऑर्डर। यस सर, 324 वाले को ले आओ। ओके सर। ए चलो, साहब ने तुमको बुलाया। आइए राज साहब, आइए बैठिए। जब तक बाप खड़ा हो बेटे को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन इनके बाप तो ये हैं और ये बैठे हुए हैं,
बाप थे जब ये सिर्फ बेटा था, अब ये मुजरिम है, कानून इसका बाप है। Just who do you think you are, Inspector Khan? I don't think. I know who I am. मैं भारत सरकार का सिपाही हूं जिसे हक दिया गया है कि जो कानून की लकीर पर पांव रखे उसके पांव काट कर फेंक दो। इंस्पेक्टर खान, तुम्हें यह वर्दी सिर्फ इसलिए मिली कि तुम मुजरिम को गिरफ्तार करो, इसलिए नहीं कि तुम उसे सजा भी दो। और आपको यह काला कोट इसलिए दिया गया है कि आप सच्चाई को अदालत के सामने पेश करें, इसलिए नहीं कि अपने मुवक्किल की बड़वागिरी करें। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मुवक्किल की गंदगी साफ करते हैं। वाह, आपकी तो तारीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर खान, एक पब्लिक सर्वेंट होके पब्लिक के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। थोड़ी तारीफ अपने बेटे की नहीं करेंगे, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत छोटे छोटे बच्चों के सामने नीलाम कर दी। तुम मिडिल क्लास के हो ना, तुम्हें क्या मालूम कि अय्याशी क्या होती है, दौलत का नशा क्या होता है। वो सारा नशा 7 साल की सजा सुनते ही उड़ जाएगा। वो मैं अदालत में देख लूंगा। चलो बेटे, लेट्स गेट द हेल आउट ऑफ हियर। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को, इस पे भी तो दाग लग गया है, फेंक दो। फेंक दो राय बहादुर, उठा के फेंक दो अपने बेटे को। उठाकर फेंक दो राय बहादुर, फेंक दो अपने बेटे को। राय बहादुर उस चीज का इस्तेमाल कभी नहीं करता है जिस पे एक भी दाग लग गया हो तो उठा के फेंक दो अपने बेटे को, इस पे भी तो दाग लग गया है। अरे जिस रुमाल से आप अपना मुंह साफ करते हैं, उसी रुमाल से आप अपने मुवक्किल की गंदगी साफ करते हैं। बड़े मलिक, चाय। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। तुम्हारी इस जलील हरकत की वजह से एक 2 कौड़ी के पुलिस ऑफिसर ने हमसे जिस तरह बातें की हम ही जानते हैं। तुम्हें इस खानदान की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? I'm sorry, Dad. Sorry? तुम्हारे सॉरी कहने से इस हवेली पे लगे हुए दाग मिट जाएंगे क्या? अरे जवानी इतनी भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को, यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी। गुस्सा थूक दीजिए बाबूजी, बच्चा है, गलती हो गई। इस गलती की सजा जानती हो तुम? 7 साल इसे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, इसकी आंखों की चमक और इसके गालों की लाली बुढ़ापे के अंधेरे में बदल जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबूजी, अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेंगे तो। मतलब हैसियत ही क्या है उस लड़की की, कौन है वो? गरीब, बेबस, बेसहारा। ऐसे लोग गला फाड़ फाड़ कर अगर सच भी बोले तो दुनिया उसे झूठ ही मानती है। पुलिस वाले सबसे ज्यादा बात उसकी मानते हैं जिसके पास दौलत है। मगर ये काम आसान नहीं है बहू, FIR दर्ज हो चुकी है और दर्ज करने वाला पुलिस ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं है, वो एक जिद्दी इंसान है जिसे ईमानदारी की बीमारी है। वो मर जाएगा मगर टूटेगा नहीं। तो फिर चोट वहां कीजिए बाबूजी जहां दीवार कमजोर हो। ज्ञानी करतार सिंह एक मामूली गैराज का मालिक है, उसकी जिंदगी गुजरी है टूटी फूटी कारों के बीच में। चमकती कार में सवार होकर जाइए और उसके कालिख लगे हाथों पर चंद चांदी के सिक्के रख दीजिए, 2 मिनट में उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। चलो तो फिर ये भी आजमा के देख लेते। यानी जी इंसान गलतियों का पुतला है, गलती ना करे तो वो भगवान बन जाए। एक गलती मेरे बेटे से हुई है और वो भी जवानी के जोश में। जवानी के जोश में हुई हो या दौलत के नशे में, गलती तो गलती होती है और हर गलती की एक सजा है जो इस मुल्क का कानून अदालत में सुनाता है। तो खानदानों की बातें अदालत तक जाएं, हमारी और आपकी पगड़ी बाजार में उछाली जाए। हमारी पगड़ी तो आपके बेटे ने उछाल दी, अब आपकी पगड़ी की बारी है।
बरसों से मैं आपको जानता हूं। इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं, इसीलिए आप औरों को अपना लेते हैं। ये लड़की भी आपकी नहीं, अनाथ है। धर्म, जात, खानदान, किसी का भी तो कोई पता नहीं। मैं चाहता हूं कि अदालत और कानून के दांव पेच में न उलटकर हम कोई सीधा सा रास्ता अपना ले तो। जो रास्ता सोच के आए हो राय बहादुर, वो भी बोल दो। ये 2 लाख रुपए हैं। उस लड़की ने इतनी बड़ी रकम देखना तो दूर, सोचा भी नहीं होगा। ये आप उसे दे दीजिए, वो इस शहर से कहीं दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। राय बहादुर, सुझाव तुम्हारा बहुत अच्छा है। जरा एक मिनट यहीं ठहरना, जाना नहीं। एक मिनट हाँ। आपने मेरी बेटी की इज्जत की कीमत बहुत कम लगाई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये 2 लाख नहीं 4 लाख रुपए हैं। अपने कार की बहू को रात को मेरे साथ सुला दो, ये मुआवजा। केदार सिंह, यकीन मानिए, मैं मुकदमा भी वापस ले लूंगा। बाकी की जिंदगी आपकी बहू इस शहर से कहीं दूर जाके बिता सकती है, बड़ी खुश हो जाएगी। तुम उस मामूली लड़की का मुकाबला मेरी बहू से करो। ओए चुप हो, वरना इस कार से तू नहीं, तेरी लाश जाएगी। वो दौलत का जिन्ना जोर लगाया लगा ले, जेल की चक्की ना पिसवा दी ना तेरे बेटे को, तो मेरा नाम सरदार करतार सिंह नहीं, पुट्टे चक देना तुहाडे सब दे। राय साहब, हिंदुस्तान की अदालतों में मुझे ज्ञान प्रकाश नहीं, माइक टाइसन के नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में उतर के घूंसों की बौछार कर देता है, उसी तरह मैं अदालत में गंदे और अश्लील सवालों की बारिश कर देता हूं। आपके बेटे ने तो उसके कपड़े उतारने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन मैं उसे अपने सवालों से नंगा करूंगा। रेप क्या है उसका मतलब मैं समझाऊंगा उसे। अदालत में जब बलात्कार का मुकदमा चलता है तो ऐसा लगता है कि यह अदालत नहीं, जिस्म बेचने का बाजार है, जहां औरत के जिस्म के हर उस हिस्से की बात होती है जिसे भगवान ने शर्म की मिट्टी से संवारा है। माला, तुम सुन रही हो ना? आप बोलते जाइए। जानती हो कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे? जब तुम्हारा बलात्कार हो रहा था तो तुम्हारी साड़ी कहां थी, जांघों के ऊपर या जांघों के नीचे? ब्लाउज कहां था, बदन पे था या उतार लिया गया था? रेप करने वाले के हाथ तुम्हारी जांघों पर थे या तुम्हारे स्तन पर? चुप कर वकीला, चुप कर। अगर मेरी बेटी से ऐसे गंदे गंदे सवाल पूछे जाएंगे तो नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। लेकिन मुझे चाहिए इंसाफ। क्या पूछेगा वो वकील? यही ना कि उस लड़के का हाथ कहाँ था, जांघों पर या छाती पर? छाती क्या होती है वो मैं उसे बताऊंगी। यह है छाती, जिसका दूध पीकर हर मर्द की छाती चौड़ी होती है, इसे कहते हैं स्तन। अगर अपनी माँ का दूध पीते वक्त ठीक से न देख सका तो मैं उसे दिखाती हूँ। मैं औरत हूँ और मुझे फक्र है कि मैं वो काम कर सकती हूँ जो दुनिया का कोई भी मर्द नहीं कर सकता। अपने जिस्म में एक नए इंसान को जन्म दे सकती हूँ, अपनी छाती का दूध पिलाकर उसे बड़ा कर सकती हूँ, जो आगे चलकर राम या रहीम बनेगा। शाबाश माला, शाबाश। अगर हिंदुस्तान की हर औरत तुम्हारी तरह बेखौफ हो जाए तो इस समाज में औरत को वही दर्जा मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। शाबाश। प्रताप। अरे डैडी, आप अंदर आइए ना। नहीं, यही ठीक है। हमारे दामाद होकर भी
तुम हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हो? मैं आपके खिलाफ नहीं, जुर्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। तुम जानते हो हमारा वकील कौन है? जानता हूं, मिस्टर ज्ञान प्रकाश, जो आज तक कोई भी मुकदमा नहीं हारा, लेकिन इस बार वो हारेगा। क्या सुधा को मालूम है कि तुम हमारे खिलाफ? डैडी, मुझे सिर्फ मालूम ही नहीं है, बल्कि मैंने खुद इनसे कहा था कि माला का मुकदमा ये लड़े। सुधा, तुमने? डैडी, राज के जुर्म को छुपाइए मत, वरना एक दिन मैं तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आया हूँ यहाँ। तो फिर आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, आज इस अदालत में एक बलात्कार का मुकदमा आया है। बलात्कार यानी कि एक लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी इज्जत को लूटना। मेरी राय में ऐसे अपराधी को गोली मार देनी चाहिए। अगर एक लड़की अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ हमबिस्तर होती है और उसके बाद अपने कपड़े खुद ही फाड़ती है, अपने बाल बिखेरती है और अपने ही नाखूनों से अपने बदन पे निशान लगाकर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ मेरा बलात्कार हो गया, तो क्या अदालत मान लेगी? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त मिस्टर ज्ञान प्रकाश एफआईआर में दर्ज रिपोर्ट को झूठा कह रहे हैं। झूठी रिपोर्ट को झूठा कहना गलत नहीं है वकील साहब। रिपोर्ट लिखी किस पुलिस ऑफिसर ने थी? माय लॉर्ड, उस पुलिस ऑफिसर ने जो सरदार करतार सिंह के कर्ज तले दबा है और बचपन में एक चोर था। इंस्पेक्टर खान, क्या ये सच है? माय लॉर्ड, दरअसल आप सिर्फ हां या ना में जवाब दीजिए। ये सच है। दैट्स ऑल योर ऑनर। जिस इमारत की नींव ही खोखली हो, उस इमारत का अंजाम क्या होगा? आगाज हुआ ही नहीं और आप अंजाम तक पहुंच गए वकील साहब। इस हादसे के चश्मदीद गवाह हैं ये ऑनर, 40 मासूम छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें ना ही आपकी बुलंद आवाज का खौफ है और ना ही किसी अंजाम की परवाह। आप फिक्र मत कीजिए वकील साहब, धीरे धीरे सबको बुलाऊंगा इस कटहरे में। माय लॉर्ड, सबसे पहले मैं मिस माला से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मिस माला, आपका यह कहना है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर राज ने आपके साथ बलात्कार किया, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अपनी मर्जी से उनके साथ हमबिस्तर हुई और उसके बाद उन्हें बदनाम करने के लिए आपने उन पे इल्जाम लगाया कि उन्होंने जबरदस्ती आपकी इज्जत लूटी। ऐसा धंधा आपके खानदान की लड़कियां करती होंगी, मैं नहीं करती। यू ब्लडी खबरदार, जो एक भी लफ्ज गलत बोला तो आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी जैसी लड़की से ऐसी बात कहते हुए? मिस माला, ये मंदिर नहीं जहां प्रवचन किया जाए, ये अदालत है जिसमें एक मासूम की जिंदगी का फैसला होने वाला है। जिसने मेरी जिंदगी को गाली बना दिया वो आपको मासूम लग रहा है, इसलिए कि उसने आपके जेब में हरे हरे नोट भर दिए? अगर नोटों के लिए ऐसे ही अपने जमीर को बेचते रहे तो एक दिन इसी कटहरे में मेरी जगह आपकी बेटी खड़ी होगी, जो ऐसे किसी रईस के बेटे की हवस की शिकार हुई होगी। उस दिन न तो ये नोट आपके काम आएंगे और न ही आपकी आवाज गले से बाहर निकलेगी। गुनेगार को सजा दिलवाने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। तुम जैसे वकीलों को तो जन्म देकर तुम्हारी माँ भी पछता रही होगी। ऑर्डर ऑर्डर। आप क्या ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं? क्या आप सबका जमीर मर गया है? ये वही हिंदुस्तान है जहाँ औरतों को पूजा जाता था, कभी सीता के रूप में तो कभी सावित्री के रूप में। और आज उसी देश में अगर औरत को एक बार नंगा किया गया तो उसकी इज्जत को ढाका नहीं गया बल्कि बार बार नंगा किया गया, कभी प्रेस वालों ने तो कभी टीवी वालों ने, और अब ये वकील साफ कर रहे हैं और आप चश्मा साफ कर करके देख रहे हैं। अरे समाज के ठेकेदारों, क्या भूल गए तुम लोग? द्रौपदी को भी एक बार नंगा किया गया था, कौरवों का पूरा खानदान मिट गया था, आज उनके खानदान का एक भी वारिस नहीं बचा। वकील साहब, यही पूछना चाहते थे ना कि बलात्कार के वक्त वो मेरे ऊपर था या नीचे, उसके हाथ कहां थे, मेरे स्तन पर या मेरी जांघों पर? बंद कर दीजिए तमाशा, अपनी घर की बहू बेटियों को बेइज्जत करने का ये ड्रामा बंद कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज की औरत शर्म की दहलीज पार कर जाए।
इस अदालत में कल जो मुकदमा आएगा वो ये नहीं होगा कि एक लड़के ने एक लड़की का बलात्कार किया, बल्कि ये होगा कि एक लड़की ने एक लड़के का बलात्कार किया। सिर झुका ये खड़ा होगा, ये मैं नहीं। Order, order. The court is adjourned. ये लड़की है या किसी देवी का अवतार? अरे पिछले 30 साल में मैंने बड़े से बड़े धुरंधर वकीलों को अदालत की धूल चटवा दी, लेकिन इसने, अरे इसने मुझ जैसे पहाड़ को अपने पैरों तले रोंग के रख दिया। मगर आप तो अपने आप को माइक टाइसन कहते थे। माइक टाइसन को भी कोई मर्द नहीं पछाड़ पाया था। अरे उसे भी पछाड़ा तो एक मामूली सी लड़की ने। मगर अब हम क्या करें ये तो बताइए। इससे पहले कि कल सुबह जज अपनी कुर्सी पर बैठे, माला को इस दुनिया से उठवा दीजिए। पिछले 30 सालों से मिस्टर ज्ञान प्रकाश इंसाफ के इस मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकते आए हैं, इस देवी के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाते आए हैं, क्योंकि ये अब तक हर मुकदमा जीतते आए हैं। लेकिन आज जब पहली बार इन्हें शिकस्त की हल्की सी झलक दिखाई दी तो ये बौखला गए। इंसाफ के इस मंदिर से इनका विश्वास उठ गया, इस देवी में इनकी श्रद्धा टूट गई और इन्होंने अपने हाथों में इंसाफ के तराजू की जगह दौलत की तलवार उठा ली। मेरी मुवक्किल माला को इस दुनिया से उठाने का फैसला कर लिया, उस पर कातिलाना हमला करवाया। अगर यकीन नहीं आता मैं लौट तो आप खुद ही देख लीजिए माला के जिस्म पर पड़े हुए जख्मों के ये निशान। मैं अपने फाजिल दोस्त से यह पूछना चाहूंगा कि अगर इस मुकदमे का फैसला अदालत के बाहर ही करना था तो इस अदालत में आने का ढोंग क्यों रचाया जा रहा है? जब इन मासूम बच्चों के बयान के बगैर इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है तो फिर इन्हें क्यों बुलाया गया है? अगर ताकतवर अपनी ताकत के जोर पर ही मुकदमे का फैसला करवा सकता है तो यह अदालत क्यों बनाई गई है? अगर गरीब और बेबस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो बंद कर दीजिए यह अदालत। रुक जाइए जज साहब, आप अपना फैसला सुनाए इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। अगर मुकदमा ये वकील साहब जीत गए तो इन्हें ढेर सारे नोट मिलेंगे और इनका मौकिल छूट जाएगा, और अगर ये वकील साहब जीत गए तो इस आदमी को 7 साल की सजा हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में मुझे क्या मिला? कानून ने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? जो इंसान कानून की मर्यादा को तोड़ता है कानून ही उसे सजा देता है। मर्यादा मेरी तोड़ी गई है कानून की नहीं, इज्जत मेरी लुटी है कानून की नहीं। ऑर्डर, ऑर्डर। क्या मैं माथे पे लगे इस कलंक के साथ जी सकूंगी? कौन थामेगा मेरा हाथ? कौन भरेगा मेरी मांग में सिंदूर? किसके नाम का मंगलसूत्र मैं पहनूंगी अपने गले में? अरे इस देश में तो सीता माँ को भी अग्नि परीक्षा के बाद माफ नहीं किया गया था, फिर मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसकी बारात आएगी, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा, पर मेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। क्या मेरी बारात कभी नहीं आएगी? क्या मेरा राजा अब कभी नहीं आएगा?
जज साहब, क्या मैं बिन बिहाई रह जाऊंगी? क्या मैं बिन बिहाई रह जाऊंगी? अपने आप को दादा कहते हैं, सारा शहर कांपता है इनसे, मगर एक मामूली सी लौंडिया को खत्म नहीं कर पाए। अरे लानत है तुम पे और तुम्हारे आदमियों पे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? Get the hell out of here, you stupid asshole! कौन है वहां? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। तुम किस किस को गोली मारेंगे साहब? एक गुनाह को छुपाने के लिए और कितने गुनाह करेंगे? पूरा शहर तुम्हारे नाम पर थूक रहा है, पूरे शहर को मिटाएंगे। साहब, इंसानी बने रहना, भगवान बनने की कोशिश मत करना, वरना वो ऐसा मिटा देगा कि ना तुम जी सकोगे ना ही मर सकोगे। तुम्हारी ये मजाल कि हमारे सामने जबान खोलो? 40 साल लगे साहब, 40 साल, तब जाके जबान खुली है। पैसों से बहुत बड़े हो गए लेकिन इंसान छोटे रह गए। कौशल्या, तुम्हें तमीज नहीं मालिक से कैसे बात की जाती है? तुम तमीज सिखाओगी मुझे? जिसने तुम्हारे मर्द को पैजामे का नाड़ा बांधना सिखाया है? अरे बहू, जब घर में आग लगी हो तो पानी डालकर उसे बुझाया जाता है, लेकिन तुम उस आग में तेल डाल रही हो। अगर इसी रफ्तार से तेल डालती रही तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ हवेली नहीं शमशान घाट होगा। इनफ इज इनफ, नमकहराम, दफा हो जा यहाँ से। और खबरदार जो फिर इस दहलीज पे कदम रखा। फिकर मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। दोनों तरफ के गवाहों के बयानात सुनने के बाद और तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम राज ने जुर्म किया है और वो कानून का मुजरिम है। लेकिन कानून से पहले वो माला का मुजरिम है, जिसकी जिंदगी को उसने तबाह कर दिया और समाज में इज्जत से जीने का हक उससे छीन लिया। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को ये हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। चौबीस घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। लिहाजा ये अदालत मुलजिम राज को ये हुक्म देती है कि जिस लड़की को नंगा करके उसने बेइज्जत किया, उसी लड़की से शादी करके उसे अपने घर की इज्जत बनाए। 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत के इस फैसले की तामील की जाए। मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जाओ, जरूर जाओ। आज तो हम सिर्फ इस शहर में बेइज्जत हुए हैं, कल हमें सारे मुल्क में बेइज्जत करो और परसों सारी दुनिया में, ताकि वो लोग जिनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई थी इस हवेली की तरफ आंख उठा के देखने की, घर में घुस आएं और हमारे मुंह पे थूकें। तो क्या मैं दुनिया की परवाह करूं, अपनी जिंदगी की नहीं? उस मामूली लड़की से शादी कर लूं मैं? अब वो एक मामूली लड़की नहीं रही, अखबारों की सुर्खियां बन गई है वो, इस शहर के हर आदमी की बेटी बन चुकी है वो। तुम्हारी भलाई बस इसमें है कि तुम कोर्ट का ऑर्डर मान लो और उस लड़की से शादी कर लो, वरना ये घर तबाह हो जाएगा। मैं आपके लिए 7 साल की सजा काटने के लिए तैयार हूँ, मगर उस लड़की से मैं हर की शादी नहीं करूंगा। जिस लड़की ने सुबह का सूरज तक न देखा हो, जिसे किसी चीज को हासिल करने के लिए कोशिश तक न करनी पड़ी हो, उसे क्या मालूम कि जेल की कोठरी क्या होती है, उसका अंधेरापन कैसा होता है? अगर आप नहीं चाहते कि मैं 7 साल की सजा काटूं, तो क्या उम्र भर की सजा भुगतूं उस लड़की से शादी करके, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं? शादी तुम करोगे लेकिन अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी तबाह करने के लिए। हम समझे नहीं बहू। बाबूजी, अदालत से उसने अपने लिए जिंदगी नहीं, मौत मांगी है। इतने जुल्म और सितम ढाऊंगी कि इस हवेली की बहू बनने का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। मंगल मांगल्य
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि। मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। बहनों निवारे, हाय हाय, नोट बहनों निवारे।
दिन पिए ही झूम रहे हैं, पापा जी भी हमारे आए, पापा जी भी हमारे। ऐसी खुशियों की हुई बरसात मेरे आंगन में, नमस्तुते। हार पहना बेटी। अपनी पत्नी की मांग भरो। ऐसे नहीं बेटा, इस सिंदूर का अर्थ तो समझ लो। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी यह सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। इसका मतलब ये सिर्फ सिंदूर नहीं, इस बात की गवाही है कि तुम जिंदा हो और सही सलामत। जा बेटी, जा। मैं वाहे गुरु से झोली फैला के तेरी खुशियों की भीख मांग लूंगा। तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। लंदन जा रहे हैं, अपना वादा मत भूलना। हमारे आने से पहले ये कूड़ेदान का कचरा इस घर से बहुत दूर होना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, ऐसा ही होगा। ओ महारानी, वहां कहां चली? जी जी मैं रामू। जी मैम साहब। इनको जरा इनका महल दिखा दो। मुझे महल नहीं, मुझे मेरे पति के चरणों में जगह चाहिए। ओए होए, सती सावित्री की बात तो सुनो।
लगता है बाप ने ठीक से समझा बुझा कर भेजा है कि उंगली पकड़कर पोंछा कैसे पकड़ा जाता है। कान खोलकर सुन ले, इस घर में मालिकों का कमरा अलग और नौकरों का कमरा अलग है। रामू जी, ले जाए इसे नौकरों के कमरे में। आइए बहुरानी। खबरदार जो इसे किसी ने बहुरानी कहा, ये नौकरानी है, सिर्फ नौकरानी। शारदा, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसा सलूक थोड़ी किया जाता है। तुम चुप रहो जी, खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो। जाओ जाके अपना काम करो। ए, मैंने तुझसे क्या कहा, सुना नहीं क्या? सुनो बड़ी बहुरानी, ये सिंदूर बाजार में दो पैसे में जरूर मिलता है, लेकिन जब किसी औरत की मांग में भर दिया जाता है तो इसकी कीमत भगवान भी नहीं चुका सकता। फिर तू क्या चीज है? मेरा कद भले ही 5 फुट का है, लेकिन मेरी जुबान 10 फुट की है और हाथ 20 फुट का। दोबारा तमीज से बात नहीं की तो उसी म्यूनिसिपालिटी के स्कूल में भर्ती करा दूंगी जहाँ तेरा बाप चपरासी है। तूने मेरे बाप को गाली दी? मैं तेरे बाप को गाली क्यों दूंगी? तू तो खुद तेरे बाप के लिए एक गाली है, वरना अपनी छोटी बहन की दलाली करने यहाँ नहीं आता, समझा? अयो स्वामी, आज खुशी का दिन है, फिर आपका बैटरी काय को डाउन है? ओए खोतिया, जिस बाप की एको एक बेटी, उसके जिगर का टुकड़ा उससे दूर हो जाए तो रोएगा नहीं तो क्या भांगड़ा करेगा? देखो दारजी, हॉर्न का वायर ब्रेक में मत घुसाड़ो। अरे हमारा बहन कितना बड़ा घर में शादी करके गया है। ओ, ये भी कोई शादी थी? मेरी बच्ची की ख्वाहिश है उसके दिल में ही रह गई। कैसे कैसे ख्वाब देखे थे उसने, बैंड बाजे के साथ उसका दूल्हा घोड़ी पे सवार होके बरात लेके आएगा, हजारों लोग उसके ब्याह में शरीक होंगे, इतना शोर ना शनाई, ऐसे बिदा हुई बच्ची जैसे टोली में ले आरती में जा रही हो। दारजी, सदियों से माँ बाप के घर से बेटी ऐसे ही विदा होती रही है, आप तो सिर्फ दुआ कीजिए कि उस घर में खुश रहे। राज, महफिल में सभी हैं, सिर्फ वही नहीं है जिनके लिए महफिल सजी है। सुरेश, जूतों को पैरों में पहना जाता है, सर पर नहीं रखा जाता। अच्छा राज, हम चलते हैं, रात काफी हो गई है, फिर तुम्हारी सुहागरात भी है। हमारा शेर सुहागरात नहीं, सुहाग दिन मनाता है, और वो तो ये कब का मना चुका है, ये बात सारी दुनिया जानती है। राज, हंसी मजाक बहुत हो चुका है यार, अब तो भाभी को बुलाओ। दोबारा उस 2% की लौंडिया को अगर भाभी कहा तो जान से मार दूंगा। कानून ने उसे बाजार से खरीद कर सिंदूर और मंगलसूत्र तो दे दिया, मगर वो मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को कभी हासिल नहीं कर पाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? यस, आई एम सॉरी। देन ड्रिंक एंड डांस।
तुम्हारा अधिकार तो मैंने तुम्हें दिला दिया, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। क्या करने आई हो? अपना अधिकार लेने। तो फिर जाओ और जाकर उसी अदालत का दरवाजा खटखटाओ। जज साहब, सिंदूर और मंगलसूत्र के साथ साथ मुझे पति का शरीर भी दिलवा दीजिए। औरत अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि हर वक्त भीख ही मांगती रहे, वो छीनना भी जानती है। तो आगे बढ़ो और छीन लो राज को मुझसे। आज मेरा चुम्मा इतना बुरा लगा? उस दिन तो बलात्कार करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। मिस्टर हस्बैंड, मुझे भी तुम्हारे गले पड़ने या तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। गौर से देख लो मुझे, मैं हिंदुस्तान की अदालत की वो मोहर हूँ जो तुम्हारे माथे पे लगा दी गई है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। Thank you.
वरना सबको धक्के मरवा के निकला दूंगा यहां से। ओए पुत्र, हम तुम्हारे बाप की तरह हैं और बाप से आप कह के बात करते हैं, वरना सारा ताप निकाल दूंगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है इस तरह किसी के घर में घुसने का। तरीके तो कई और हैं मिसेस रमेश, लेकिन क्या करें, मजबूर हूं। कोर्ट ने हमें सिर्फ इतना ऑर्डर दिया है कि मैं माला की देखरेख करता रहूं, फरना तो ठीक से देख लीजिए आपकी गुड़िया ठीक है या कहीं से टूट गई है। ओ बीबी, अगर हमारी गुड़िया गलती से भी जरा सी टूट गई ना, तो तुम सबको मैं साथ तोड़ूंगा, जिंदगी भर जो नहीं सकोगे। नारजी आप फिकर मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इन्हें ठीक करना भी जानती हूँ। वैसे नमूना नंबर वन तो दिखाई दिया है, धीरे धीरे बाकी के नमूने भी दिखा दूंगी। बोले सोनिया। हेलो बहू। बाबूजी नमस्ते। उस कचरे के डिब्बे को घर से बाहर फेंका गया कि नहीं? जी जी। क्या तुम ये नहीं चाहती कि तुम्हारी छोटी बहन हमारे घर की बहू बने? जी जी चाहती हूँ। तो फिर हमारे आने से पहले उस गंदगी को हमारी हवेली से दूर कर देना। कर दूंगी बाबूजी। गुड। इसका फोन था दीदी? ससुर जी का। कह रहे थे कचरे का डिब्बा बाहर फेंका कि नहीं। तो कह देती ना, कचरे के उस डिब्बे ने हम सबको कचरे की थैली बनाकर घर के बाहर लटका दिया है। भैया तुम्हारे चिल्लाने से वो घर से बाहर नहीं चली जाएगी। सिस्टर डार्लिंग, तुमने सोचा था पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह तुम उस पर जुल्म करोगी, उसको भूखा मारोगी, नौकरों की तरह बर्तन मंजवाओगी, जिससे घबरा कर वो घर छोड़कर चली जाए। आजकल का जमाना बदल गया है। आजकल की लड़कियां मीना कुमारी की तरह आंसू नहीं बहाती, श्रीदेवी की तरह चाकू चलाती। चाकू? वो श्रीदेवी बने या माधुरी दीक्षित, मैंने उसका तेल नहीं निकाला तो मेरा नाम शारदा देवी नहीं। ओ सिस्टर डार्लिंग, ऐसी गलती हरगिज मत करना, वरना वो सरदार आगे से तलवार डालेगा और इंस्पेक्टर पीछे से डंडा। तो क्या करें, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं, कह दें कि माला जी हम हार गए आप जीत गए। भैया मैंने जब से होश संभाला है रात से प्यार किया है और मेरे जीते जी कोई राज को मुझसे छीन नहीं सकता। तो माला को हराने की बजाय राज को जीतने की कोशिश करो, क्योंकि राज भले ही तुमसे प्यार न करता हो लेकिन माला से नफरत जरूर करता है, और इसी बात का फायदा उठाकर बरस पड़ो उस पर, गिरफ्तार कर लो उसको अपनी मोहब्बत में। ऑफिस जा रहे हैं? तुमसे मतलब? मतलब तो है, मैं आपकी बीवी जो हूँ। मैं नहीं मानता तुम्हें अपनी बीवी। मानेंगे, आप भी मानेंगे।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रमेश भैया आप? अरे जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सिर्फ मेरे आशीर्वाद से तुम सुहागन नहीं बनी रहोगी, बल्कि तुम्हें खुद अपनी सुहाग की रक्षा भी करनी पड़ेगी। क्यों? उनके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है? इंसान के मुकद्दर में जब दौलत आती है तो मुसीबत भी साथ लाती है। मैं कुछ समझी नहीं। शराब और जुए के नरक से आदमी को वापस लाया जा सकता है, लेकिन अगर मर्द किसी दूसरी औरत के पल्लू से बन जाए तो उसे सिंदूर और मंगलसूत्र भी वापस नहीं ला पाएंगे। जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। माता सीता कहती है जिस तरह जीवन के बिना शरीर है और पानी के बिना नदी है, ठीक उसी तरह पुरुष के बिना नारी का जीवन है। स्त्री को अपने पति का साया बनकर रहना चाहिए, चाहे सुख में हो या दुख में। अपनी सुहाग की रक्षा के लिए अगर घर की सीमा को भी पार करना पड़े तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, तो पार कर जाओ, पार कर जाओ, पार कर जाओ। इतनी भी तमीज नहीं है कि बिना इजाजत किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए? तुम सिखाओगी मुझे तमीज? तमीज होती तो मेरे मर्द की बाहों में एक बाजारू औरत की तरह ना पड़ी होती। You bitch! ये अंग्रेजी गाली अपने पास ही रखना, हिंदी में एक गाली सुना दी तो सारा खानदान कब्र से बाहर आ जाएगा। माला चिल्ला मत चुड़ैल, वरना बाल पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाऊंगी। एक बात सुनती जाओ, जिसे में बहुत गर्मी है तो अपने बाप से कह देना, एक सांड ढूंढ के ला देगा। चलिए घर चलिए। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहां रहूंगा और मेरी मर्जी में जो आएगा मैं वो करूंगा। एक बात सुन लीजिए, औरत मर्द की हर बुराई को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके मर्द की जिंदगी में एक दूसरी औरत आए। एक नहीं 10 औरतें आएंगी, क्या कर लोगी? आएंगी तो ऐसे ही जाएंगी बेइज्जत होकर। रोना बंद करो मिस शबाना आजमी, वरना तुम्हारे आंसू में पूरा हिंदुस्तान डूब जाए। भैया अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाहर देखो तुम्हारे साथ साथ इंद्रदेव की अप्सराएं भी आंसू बहा रही। मालकिन मुझे पुकारा भाई। सिस्टर डार्लिंग, लगता है कोई तुमको आवाज दे रहा है। मालकिन। शामू जी जरा देखो कौन मरा जा रहा है। जी मालकिन। मालकिन नीचे कौशल्या आइए। फिकर मत करो साहब, तुम्हारी दहलीज पर पैर तो क्या, उस पर थूकूंगी भी नहीं। शामू उसे ऊपर लेकर आओ। मालकिन, मालकिन, मेरे पोते को बचाइए, बुखार आ गया है इसे, बेचारा बेहोश हो गया है। यहाँ क्यों लाई है इसे, ये क्या सरकारी अस्पताल है? मालकिन इसे अस्पताल दाखिल करना है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। क्या समझ कर आई है यहाँ, सरकारी खजाना पड़ा है? मालकिन हमारे माए बाप तो आप ही हैं, आपका दरवाजा नहीं खटखटाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? क्यों इतनी जल्दी भूल गई? तुमने तो कहा था कि आपके दरवाजे पर कभी थूकने भी नहीं आऊंगी।
भूल हो गई थी मालकिन। हर भूल की सजा है। मैं तेरे इस बच्चे की जान बचा लूंगी, अगर तू मेरी चौखट पर थूक कर चाटेगी तो। उठो मौसी, यह हवेली और यह चौखट बड़ी बहू दहेज में लेकर नहीं आई थी। इस पर जितना हक बड़ी बहू का है उतना ही छोटी बहू का है। शारदा देवी, तिजोरी की चाबी लाओ। चाबी लाओ बड़ी बहू। ये लो मौसी। ये लड़की है कि फूलन देवी? अरे खड़ी क्या हो, जल्दी जल्दी कपड़े बांधो, वरना अभी तो उसने सिर्फ तिजोरी की चाबी छीनी है, फिर कहीं आ गई तो सारे कपड़े उतरवा देगी। इलाहाबाद नंगा जाना पड़ेगा, नंगा। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तुम भी हमारे साथ चली चलो। ठीक है, लेकिन तुम लोग ये मत समझना कि मैं उससे डर कर जा रही हूँ। नहीं 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 नहीं, हम लोग तो उसको डरा के जा रहे हैं। भाभी ये अचानक क्या हो गया, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मिस्टर राज, तुम्हारी भाभी अपनी मर्जी से नहीं जा रही, उनको घर से बाहर निकाला गया है। मैं कुछ समझा नहीं। रहने दो देवर जी, अगर माला को अपने घर की बहू बनाना ही था तो इतना सब ढकोसला क्यों किया? सीधे सीधे मुझसे कह देते, मैं खुशी से तिजोरी की चाबी उसके हाथ में रख देती। आपकी मिसेज माला ने चाबी का गुच्छा छीना और हमको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। माला, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो चला गोली, चला गोली। मामा जी आप? मर गया तेरा मामा। मामा जी अगर डैडी को पता चला कि आपने मुझ पे हाथ उठाया है तो क्या कर लेगा तेरा बाप? नौकरी से निकाल देगा ना, निकाल दे नौकरी से। मामा जी आप अपनी औकात भूल रहे हैं। औकात मैं अपनी नहीं भूल रहा हूँ रिजर्व बैंक की औलाद, औकात तू अपनी भूल रहा है तू। मामा तुम सठिया गए हो, मैं अभी डैडी को फोन करता हूँ, वो तुम्हारी ऐसी खबर लेंगे। अरे तेरे बाप में अगर दम होता तो पीठ दिखाकर लंदन नहीं भागता। वो जानता था कि वो हार गया है, वो अपनी दौलत से हिंदुस्तान के कानून को नहीं खरीद पाया, इसलिए सर पर पैर रखकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया। बहुत हो गया मामा जी, अगर अब आप एक मिनट में इस हवेली से दफा नहीं हुए तो पुलिस को बुलाकर यहाँ से धक्के मार कर निकलवा दूंगी। तो फिर देर किस बात की है बहू, बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। हम भी देखते हैं कि कौन इस हवेली के बाहर जाता है और कौन जेल के अंदर। ये जख्म देखते ही तुम्हारे हाथ में ये जो सोने के कड़े हैं ना, ये लोहे के कड़े हो जाएंगे। माला की तरफ से गवाही मैं दूंगा कि हमारी बड़ी बहू ने अपनी छोटी बहन का टाका फिट करने के लिए
अपने भाई के साथ मिलकर साजिश की और राज को उकसाया कि वो माला को अपनी जिंदगी से उठाकर बाहर फेंक दे। माय डियर सिस्टर, मैं इलाहाबाद चलता हूँ, बाबूजी वहाँ अकेले हैं। भैया मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, बेटर बेटर। देखा राज, जब जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं। अरे पगले, इतनी प्यारी गुड़िया तेरी जिंदगी बनकर आई और तू इसे ठोकर मार रहा है। आओ बेटी। राज, जिस इंसान के तुझे पैर छूने चाहिए तूने उनका अपमान किया है। चल बेटे, माफी मांग, पैर छू और एक नई जिंदगी शुरू कर। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा अनर्थ मत कर बेटा, मैंने तो कन्यादान किया है। तू मेरे पैर छुएगा तो मैं तो सीधा ही नरक में चला जाऊंगा। देखा बेटी, इसे कहते हैं महान आत्मा। तूने इनकी बेटी पर इतने जुल्म ढाए और इन्होंने तुझे एक पल में माफ कर दिया। बेटे, ये आंसू पोंछ डाल और अपने इस मामा के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दे। मुस्कुरा। हेलो राय बहादुर भैया। जी चाची, आपने बिल्कुल सही वक्त पर मुझे यहां भेज दिया। अगर जरा सी भी देर हो जाती तो यहां महाभारत का आखिरी एपिसोड हो गया होता। साले साहब, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? कहावत है कि बगैर उंगली टेढ़ी किए घी नहीं निकलता। मैंने स्टाइल बदल दिया है, उंगली सीधी कर दी है, अब घी सीधी उंगली से ही निकलेगा। साफ साफ बात करो। राज और माला हनीमून मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई से बेचारी का पैर भी तो फिसल सकता है। मामा जी, आपका यह नया नाटक मेरी समझ में नहीं आया। ससुर के पैर छुओ, माला को अपना लो, औरत को खिलौना मत समझो। भांजे, कल अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो या तो ज्ञानी की तलवार तुम्हारी गर्दन उड़ा देती या तुम्हारी बंदूक की गोली ज्ञानी के सीने के पार होती, और दोनों ही सूरतों में माला घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन अब माला घर से तो क्या, इस दुनिया से ही बाहर निकल जाएगी। वो कैसे? सुना है इस इलाके में इतने जहरीले सांप हैं कि जिसे डस ले वो पानी तक नहीं मांगता, और अगर गलती से कोई उनका जहर चूसने की कोशिश करे तो वो भी दम तोड़ देता है। कुछ समझा मांझे? जी मामा जी। वेरी गुड, तो फिर देर किस बात की? मेरे प्यारे भांजे, कल की सुबह तो होने दे। वेरी गुड। बस भांजे बस, 2 मिनट में खेल खत्म। Do
वेरी गुड अंजे, माला की आखिरी चीख तुम्हारी आजादी का ऐलान है। जाओ भांजे जाओ, अपनी कानूनी बीवी के आखिरी दर्शन कर लो। जब तक मेरी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र है, दुनिया तो क्या, भगवान भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मिस्टर राज, आप किस्मत वाले हैं, इतने जहरीले सांप का जहर चूसने के बाद भी आपकी पत्नी बच गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, किसी तरह रात गुजर जाए। थैंक यू डॉक्टर साहब, ऑल द बेस्ट। तुमने एक बार अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भर दिया तो तुम्हारे जीते जी ये सिंदूर कभी नहीं मिटेगा। जीते जी इस घर से कभी नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो मरने के बाद, वो भी तुम्हारे कंधे पर सवार होकर। Thank you.
से दुनिया ये जल गई, जल गई। ए तीखी छुरी दिल पे हाय सबके जल गई, जल गई। ओ पहले कभी जो ना हुआ, क्यों प्यार की चली है हवा, सबकी हवा बंद हो गई। बदन से लिपट कर चुनरी ये मुझको सताए, ए तेरे बदन से लिपट कर चुनरी ये मुझको सताए, सबकी हवा बंद हो गई। आपने लड़ी तुझसे दुनिया ये जल गई, जल गई। तीखी छुरी दिल पे हाय सब जल गई, जल गई। हाँ पहले कभी जो ना हुआ, यूं प्यार की जली है हवा, सबकी हवा बंद हो गई। ला 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 रा, हो हो हो, बातों में तेरी वो जादू, होने लगी मैं बेकाबू। जहां तुझे तो ये जाना, जहां तुझे तो ये जाना, क्या है मोहब्बत की खुशबू। तुझसे दुनिया ये जल गई, तीखी छुरी दिल पे हाय सबके जल गई, आंखें लड़ी तुझसे दुनिया ये जल गई, जल गई। तीखी छुरी दिल पे हाय सबके जल गई, जल गई। पहले कभी जो ना हुआ, क्यों प्यार की चली है मामा जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बहू में बाजी हार गया। राज ने आशिकों की तरह अपना दिल माला के कदमों में रख दिया है। अब वो माला को मरने नहीं देगा। लेकिन मैं माला को जीने नहीं दूंगी। वो कैसे? आजकल हर घर में नई नवेलियां आग से जलकर राख हो जाती हैं। ये भी उसी तरह। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? चिता सजाइए, लाश आती ही होगी। भाभी आप यहाँ? भाई मैंने फोन कर दिया था कि बहू की तबीयत खराब है, बेचारी दौड़ी चली आई। माला मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। जिसे मैं पत्थर समझ रही थी वो तो हीरा निकली। राज, मेरी बहन को पलकों पर सजा के रखना। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ।
को संभाल के। अरे दीदी तुम यहाँ कैसे? राज सुना है तुम्हें सांप ने काटा था? हाँ तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे इस भाई की जान बचा ली वरना अभी तक राम नाम सत्य हो गया होता। चुप। लेकिन सांप घर में आया कैसे? वकील साहब सांप आपके कानून को नहीं मानता, वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता है। राज भाभी कहाँ है? चाय बना रही है। मैं मिलकर आती हूँ। अरे सुधा दीदी आप कब आई? बस अभी अभी। लेकिन तुम अंदर क्या कर रही थी? देखो ना क्या बकवास माचिस है, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटी ये लाइटर ले लो। माला दे दो ये लाइटर मुझे, ये तुमसे नहीं जलेगा। तुम जाकर बैठो, चाय मैं बना कर लाती हूँ। सुधा दीदी नहीं, 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 What? हमारी तो पूरी कोशिश थी कि इस तस्वीर की जगह माला की तस्वीर हो, पर वो हरामजादी न जाने कौन सा अमृत पी कर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को हम पर शक नहीं हुआ, वरना अब तक हम तो जेल की चक्की पीस रहे होते। अपनी महबूबा का दामन थामे हुए आगे बढ़िए। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी कीमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा? कहा था। और ये भी तो कहा था कि मैं 7 साल की सजा काटने को तैयार हूं मगर इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये भी कहा था। तो फिर आज क्या हो गया, कौन सा तूफान उमंग पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खानदान अपने पैरों की धूल समझता है उसी को तुमने अपने सर पर बिठा दिया? जिस लड़की ने हमें शहर भर में बेइज्जत किया उसे तुम अपने दिल में बसा बैठे? जिस लड़की का रुतबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था उसे तुमने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों राज क्यों? वो मेरी भूल थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जिस भूल पे तुझे आज शर्म आ रही है वो भूल भी तू नहीं की थी। गलत, उस भूल के जिम्मेदार भी आप हैं। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे तो आपने क्या कहा था? हम अमीर हैं, ये हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें। वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है। गरीब और अमीर की खाई मेरे दिलो दिमाग में किसने खोदी? आपने। पैसों की तलवार मेरे हाथों में किसने थमाई? आपने। इंसान को इंसान ना समझने की तालीम किसने दी? आपने। वाह भांजे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई।
कि तुमने बोलना तो सीखा। अल्फाज जरूर तुम्हारे हैं लेकिन जबान इस नागिन की है। मामा जी, तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजा जी का खून दौड़ता था लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिस्म में। जिस देवर ने कभी अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी वही आज अपने बाप से बदतमीजी कर बैठा। सारे फसाद की जड़ ये है, ये जिस दिन से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है कौशल्या जैसी नौकरानी हमारी चौखट पर थूक कर चली गई और मेरी प्यारी भांजी सुधा भगवान को प्यारी हो गई। अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? उठाकर फेंक दो इसे घर से बाहर। खबरदार जो किसी ने भी। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा बदतमीज, उठा उठा ना। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकालता हूँ। ऐसी गलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादुर कहना छोड़ दें। चलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माला, माला, सब मेरी माला बच जाएगी ना? उसकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बट वी आर ट्राइंग। हेलो इंस्पेक्टर खानिया। इंस्पेक्टर खान, मैं ज्वेल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुष्मिता माथुर बोल रही हूँ। एक केस रिपोर्ट करवाना है, इंजरी ऑफ द स्कल। केस बहुत सीरियस है। किसको चोट लगी है? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट राय बहादुर जी की बहू माला को। माला को? जी हाँ। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट की पल्स सिंक हो रही है। माला के हत्यारों, वो तो मर गई, अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। राज, माला कैसी है? राय साहब, आप फौरन मामा जी और शारदा देवी को लेकर शहर से बाहर चले जाइए। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि वारदात के समय आप लोग शहर में थे ही नहीं।
नहीं। हेलो, राय बहादुर के कानूनी दलाल, दे फोन मेरे बाप को। राज, मिस्टर राय बहादुर, अगर मेरी माला को कुछ हो गया तो समझ लेना तुम्हारा छोटा बेटा मर गया, साथ में बड़ा बेटा भी मर गया। बाबूजी, क्या हुआ? जीजा जी कुछ बोलते क्यों नहीं? राय बहादुर साहब, कहां जा रहे हैं? हॉस्पिटल। लेकिन वहां जाने से केस उल्टा भी हो सकता है और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। अब तो फांसी भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दौलत, ये हवेली, ये सब कुछ मैंने किसके लिए बनाया था? अपनी छाती पर लाद कर ऊपर ले जाने के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए। अगर वही नहीं रहे तो। जीजा जी, राज ने कहा क्या? सिर्फ राज नहीं, नहीं, मेरे दोनों बेटों ने इस बरसों की मेहनत से बनाई हुई हवेली को एक ही ठोकर में रेत के घिरौने की तरह बिखेर दिया, मेरे अहंकार के मुंह पर थूक दिया। कहने लगे, जाओ राय बहादुर, हम तुम्हारी औलाद नहीं, खरीद सकते हो तो अपनी दौलत से दो बेटे खरीद लो। वाह ऊपर वाले, तूने आज एक ही ठोकर में मेरी सारी दुनिया मिटा दी। जीजा जी, जीजा जी, ये बुढ़ा तो सटिया गया है, खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी जेल की चक्की पिसवाएगा। वकील साहब, अब आप ही कुछ करिए ना। हम, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ माला के बयान पे डिपेंड करता है। मतलब कि हमारी जान अब माला की मुट्ठी में कैद है? बिल्कुल। डॉक्टर, कैसी है मेरी बहू? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो कीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर सर्जन को बुलाइए, जितने पैसे लगे लगा दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी बहू चाहिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। राय बहादुर दौलत के बगैर जी सकता है, मगर औलाद के बगैर बिल्कुल नहीं। डैडी, प्लीज संभालिए अपने आप को। मुझे माला का प्यान लेना है। आप बाहर इंतजार कीजिए, जब ये होश में आ जाएगी मैं आपको बुला लूंगी। ओके। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बयान देना चाहता हूं। आज सुबह सुबह मेरा और माला का झगड़ा हुआ और गुस्से में आके मैंने उसके सर पर। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार ये नहीं, मैं हूं। ये आप लोग क्या? तुम चुप रहो जी, दोनों फांसी पर खुद ही चढ़ते हैं तो चढ़ जाने दीजिए, इनके मरते ही करोड़ों की दौलत हमारी हो जाएगी। हरामजादी, कितना बड़ा कुआं है तेरे अंदर, जितनी भी दौलत डाल दी जाए कभी भरता ही नहीं। रमेश, आप बीच में मत बोलिए डैडी, यही है वो जड़ जिसने इस खानदान की हर शाख को जहरीला बना दिया है। अरे तू औरत नहीं, डायन है, डायन। मेरे डैडी का घमंड टूटकर बिखर चुका है, लेकिन लेकिन तेरी भूख अभी तक नहीं मिटी। तो जैसी औरत को धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, माला की जान को अब कोई खतरा नहीं, आप लोग उससे मिल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जब तक इंस्पेक्टर खान माला का बयान नहीं ले लेता, आप लोगों में से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
करतार सिंह, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, जो सजा चाहो दे दो। माला, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसने मारा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने नहीं मारा। फिर ये चोट कैसे लगी? सीढ़ियों से उतर रही थी, पांव फिसल गया। तुम सच कह रही हो? जी। माला का कहना है कि पांव फिसल जाने से उसे चोट लगी है, इसलिए अब कानून को किसी पर कोई शुबा नहीं। आप लोग अंदर जा सकते हैं। माला, मुझे माफ कर दो बहन। ऐसा मत कहो। एक औरत से उसका सुहाग छीनने की जो मैंने गुस्ताखी की है, वो तो माफी के काबिल भी नहीं है। गलती इंसान ही करता है, भगवान नहीं। शाबाश बेटी, तुमने हम सबको माफ करके ये साबित कर दिया कि इंसान पैसों से नहीं परवरिश से बड़ा होता है। और देखा पुत्र, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। दारजी, मेरी शादी हो गई, घर मिल गया, घर का सुख मिल गया, बस एक ही शिकायत है। लेकिन क्या पुत्र? मेरी बारात नहीं आई। ओए राय बहादुर, क्या बोलता है? अब राजा की आएगी बारात। Oh,